या तो आर या तो पार। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो यार, आर पार के पीछे? पहले चलाना यार। दो दिन जीने तो होगे हमें, आर पार करते रहते हो। मैं तो तुम्हारे सामने ना बोझ बन के तभी आर पार आ रहा। मैं ये बोल मैं मजाक कर रहा हूँ कि क्या जा, सीधा जा, या तो डर खत्म कर रहा हूँ तेरे अंदर से। और मारने के लिए तो नहीं बोल रहा, आराम से चला के जा। अल्लाह पाक को याद कर ले फिर। ज़ोमैटो वाले जल्दी जल्दी ऑर्डर दे दो प्लीज, नहीं तो वसीम मेरी जान नहीं छोड़ेगा। अरे कोई तो कर दो ऑर्डर। यहाँ डर ऐसे मस्त चल रहे हैं, बिना किसी टेंशन के चल रहे हैं, इसके चला रहे हैं। वसीम हमेशा ऑर्डर पिक नहीं करते, किया कर दिया, शुक्र है मैंने याद करवाया। ठीक है, भैया ने भी याद करवाया है, भैया को भी लगता है तुम्हें ऑर्डर ही नहीं पिक करते हो, तभी तो भैया ने बोला तुम्हें कि ऑर्डर पिक कर लो। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोफिया वसीम राजपूत। कैसे मेरी यूट्यूब फैमिली एंड फेसबुक फैमिली, होप कि तुम सारे ठीक ठाक होंगे। तो गाइज आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सुबह के 10 बजे, और अभी हम पता कहाँ पर है, गांधीनगर गोल मार्केट के पास खड़े हैं, और यहाँ पर खड़े होकर हम कर रहे हैं ऑर्डर का वेट। हमें लगभग 10 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन अभी तक ऑर्डर जो है वो हमें नहीं मिला है। तो वसीम मेरे को बोल रहे हैं कि तू जब तक ऑर्डर आता तब तक तू ये जो गोल मार्केट है ना, गोल मार्केट चौक, मार्केट चौक गोल, यहाँ चौक के इर्द गिर्द तेरे को घूमना है, घूम के वहाँ से स्कूटी घुमा के लेके आ। तो मेरे को ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है, मैं नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ पर ना गाड़ियाँ इधर से भी आती है, इधर से भी आती है, इधर से भी आती है, हर तरफ से ना गाड़ियाँ आती है। तो मेरे को गाड़ियों से ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है, और थोड़ी बहुत स्कूटी जो है ना वो मैं चला रही हूँ, लेकिन मुझे गाड़ियों से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। गाड़ियों की वजह से मैं ना स्कूटी नहीं चला पा रही हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा चला पाऊँ। और वसीम से गालियाँ भी खा रही हूँ, मार भी खा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो देखते हैं आज दिन को क्या रहता है, वो सब मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी, तो आप ब्लॉग में बने रहे। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ चौक का चक्कर लगाने, चौक से घूम के आऊंगी मैं यहाँ पर, तो देखती हूँ कैसा रहता है। मेरे को भी घूम के जाना है, वापस ही आना है, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर यहाँ पे ना चलाऊँ तो क्या होगा यार, यहाँ डर कुछ नहीं होता, जब जाएगा आगे और साथ आगे मेरे को भी घसीट, कुछ नहीं होगा। ब्रेक है तेरे पास? ब्रेक जल्दी जल्दी बजती नहीं है मुझे। अरे कोई तो कर दो ऑर्डर, ये नहीं करने वाले, इनको भी पता है ये चक्कर लगा के आएगी तभी ऑर्डर मिलेगा, ऐसे नहीं ऑर्डर देने वाले। चैलेंज आज तुझे मेरे जिम्मेदार आप होंगे क्या? अब मेरे साथ मुझे कुछ नहीं हुआ, जिम्मेदार आप क्योंकि आप ही भेज रहे हो, वीडियो ब्लॉग शूट हो रहा है। ठीक है ठीक है, चल ठीक है, मैंने तो चैलेंज किया, मैं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा। ये कौन सा चैलेंज, जबरदस्ती मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं जा सकती। अप्सरा रोड के सामने ही खड़े हैं, देखो सामने की अप्सरा रोड। अल्लाह का नाम लेके जा। यहाँ क्यों रुक गई, पूछते हैं सर। सोबिया क्या हुआ, यहाँ क्यों रुकी? चुप रह जा, या तो आर या तो पार। तुम मेरे पीछे क्यों पड़ रहे हो यार, आर पार के पीछे? चलो चलाना यार। दो दिन जीने तो होगे हमें, आर पार करते रहते हो हमें। मैं तो तुम्हारे साथ ना बोझ बन के तभी आर पार आ। मैं ये बोल मैं मजाक कर रहा हूँ कि जा, डर खत्म कर रहा हूँ तेरे अंदर से। और मारने के लिए तो नहीं बोल रहा, आराम से चला के जा। थोड़ा ही टाइम है तेरे पास, देखते हैं सोबिया गई कहाँ, अभी तक तो आई नहीं। उसको मैंने बोला था यहाँ से घूम कर आना, अभी देखने जा रहा हूँ कि कहाँ गई वो। शायद आपको दिख रही है या नहीं दिख रही, लेकिन वो आ रही है सोबिया, ये देखो अभी आई है। जाने दे मोशन में, जा रही है, जा रही है, जा रही है।
ये देखो ये रही आगे सोविया, अब पूछते हैं इसको। जो चैलेंज किया था वो तो जीत गई है, अभी आइए यहाँ वापस गोल घूम के। मैंने जो आपको बताई थी ना अभी चौक, तो वहीं से मैं अभी घूम कर आ गई हूँ। मेरे को बहुत ज्यादा डर लग रहा था लेकिन फिर भी मैंने लगा लिया। तो अभी हम खड़े हैं बर्गर किंग रेस्टोरेंट के सामने और अभी हम यहीं पर खड़े होकर वेट करेंगे ऑर्डर का। तो देखते हैं कब तक ऑर्डर आता है। तो आज मतलब ऑर्डर ही नहीं आ रहा, कब से हम आए, आधा घंटा हो गया हमें आए ना, पता नहीं फिर कौन हमारे ऑर्डर लेके जाए। गाइस ये रहा बर्गर किंग रेस्टोरेंट, लेकिन हमें एक घंटा हो गया अभी तक ऑर्डर नहीं मिला है। गाइस इस रेस्टोरेंट के अंदर कभी आप गए हो मेरे को जरूर बताना, मैं तो जाती रहती हूँ ऑर्डर लेने के लिए, लेकिन यहाँ का खाना ना मैंने कोई भी चीज़ जो है टेस्ट नहीं की है, पता नहीं कैसी होती है। इंशाल्लाह कभी ना कभी ज़रूर करूँगी। गाइस अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड, हमने आधा मतलब एक घंटा हमने वेट किया ऑर्डर का लेकिन ऑर्डर नहीं मिला। हम ऐसे ही वहाँ पर खड़े होके सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे थे और कुछ नहीं। वसीम की आईडी पर ना हम मतलब सुबह से आए थे, आज वसीम की आईडी पर कोई भी ऑर्डर नहीं मिला है। तो अब मैं जा रही हूँ अपनी आईडी पे काम करने के लिए, तो देखते हैं वहाँ पर भी हमें ऑर्डर मिलता है या नहीं। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है वो मैं आपको ब्लॉग में बता दूंगी। तो वसीम आज आपको कोई भी ऑर्डर नहीं मिला तो आपको कैसा लग रहा है बताओ ना। मैं क्या बोल रही हूँ आपको, आपको कोई भी ऑर्डर नहीं मिला तो कैसा लग रहा है आपको? हाँ इनको ठीक है, ये टाइम पास करने के लिए आते गाइस। तो मैं टाइम पास करने के लिए नहीं आती हूँ, मैंने इनको पहले ही बोला था चलो चलते पहले मैं अपनी आईडी पे काम करूंगी तो फिर हम आपकी आईडी पे चलेंगे काम करने के लिए, लेकिन इन्होंने बोला नहीं पहले मैं अपनी आईडी पे काम करूंगा उसके बाद फिर तेरी आईडी पे काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है चलो देखो आप, हम एक घंटा हम वेट करते रहे ऑर्डर का लेकिन ऑर्डर तो कोई मिला नहीं, इसलिए अब हमें जाना पड़ रहा है यहाँ से। ऊपर से सर में इतना दर्द हो गया ना गाइस बहुत ज्यादा, क्योंकि धूप बहुत तेज निकली हुई है तो सुबह के टाइम मौसम जाना वो थोड़ा बहुत खराब था। मैंने सोचा कि आज मौसम मतलब खराब, जब मौसम खराब होता ना तब मतलब अच्छे से हम काम कर लेते। हम ना गाइस यहाँ से गुजर रहे हैं और आगे देखो सिस्टर चला रही है स्कूटी कितनी आराम से और मैं बेचारी मतलब थोड़ी बहुत डरती हूँ लेकिन क्या करें। सिस्टर जी आप कैसे स्कूटी चला लेते हो हमें भी थोड़ा बता दो, इनके लिए तो एक लाइक बनता ही है। गाइस मैं हूँ डरपोक, दुनिया में सबसे ज्यादा डरपोक तो मैं ही, दुनिया में पहली लड़की होगी मतलब पहली लड़की मैं ही हूँ जो स्कूटी चला नहीं सकती, बस डरती रहती है, दुनिया में मैं ही पहली एक लड़की हूँ। यहाँ पे पहुंचे गाइस तो अब ऑर्डर आए हैं, कहाँ से उठाना है, अब हम घर ही जाने वाले थे लेकिन ऑर्डर ने कहा कि नहीं घर नहीं जाना है पहले ऑर्डर करना चाहते। वो ऐप खोलो ऐसे नहीं खुलेगा, ये कहाँ से पीछे से ही दादी माँ किचन, ये कहाँ पे है तुम्हें पता है कहाँ पे है? यहाँ से जाना है। गाइस हमने एक घंटा वेट किया तो ऑर्डर अभी हमें मिला है 23 रुपए का। बड़ा ऑर्डर देते थे तो क्या हो जाता, एक घंटा हमने वेट किया, अगर देना भी था तो बड़ा ऑर्डर दे देते, 23 रुपए का ऑर्डर देने का उनको क्या फायदा था। टीम ने तो एक्सेप्ट कर लिया, आप जाते पहला ऑर्डर है तो क्या करें, आप एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा आए हुए काम करने के लिए। तो चलते हैं गाइस ऑर्डर लेते हैं तो देखते हैं कहाँ से हमें ऑर्डर मिलता है। फाइनली हम पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट के पास, ये रहा सामने दादी माँ किचन रेस्टोरेंट, वसीम वो सामने पार खड़े हैं तो वसीम ही जाएंगे ऑर्डर लेने के लिए क्योंकि वही अपनी आईडी पे काम कर रहे हैं ना इसलिए वही जाएंगे। जा रहे हो, ऑर्डर तैयार हो गया, शायद ऑर्डर भी तैयार हो गया, जाओ लेके आओ। ठीक है भैया देखो कैसे ऑर्डर देंगे ऊपर से नीचे, ये रखा भैया ने ऑर्डर, वाह क्या बात है, देखते हैं मशीन कैसे पकड़ते हैं। गया नीचे ऑर्डर, ये ले आए ऑर्डर, कर लिया ऑर्डर पिक, ऑर्डर पिक किया, तुम्हें याद ही नहीं रहता यार जब भी तुम्हें मैं ही बोलती हूँ, मशीन हमेशा ऑर्डर पिक नहीं करते, किया कर दिया, शुक्र है मैंने याद करवाया, ठीक है, और भैया ने भी याद करवाया, भैया को भी लगता है तुम्हें ऑर्डर ही नहीं पिक करते हो, तभी तो भैया ने बोला तुम्हें कि ऑर्डर पिक कर लो। अब जाना कहाँ पे है गाइस, वसीम की याददाश्त इतनी कमजोर है कि वसीम ऑर्डर ले लेते हैं लेकिन ऑर्डर पिक नहीं करते, रास्ते में पहुँचते हैं फिर बोलते हैं ओ मैंने तो ऑर्डर ही नहीं पिक किया, फिर अब क्या किया, अरे अब तो जैकेट निकालना पड़ेगा बाहर, जैकेट निकाल लो इसको रख लो बीच में क्योंकि कुत्ते पड़ते हैं पीछे तो ऑर्डर खराब ना हो जाए जिसका भी है।
तो मेरे को भी तो गर्मी लग रही है, इसलिए तो गाइज मैं सुबह ये जैकेट पहन के आई थी, लेकिन गर्मी हो रही बहुत ज्यादा, इसलिए मैंने जैकेट जो है वो उतार दी। और वसीम को भी गर्मी लग रही है, आप भी उतार दो जैकेट यार, उतारनी है। मैं रखूंगी ना अपने पास, फिर बेली चलाना की तरफ कोई अगर ऑर्डर पड़ गया तो फिर हम वहां से घर में दे देंगे जैकेट। अगर उतारना तो उतार लो, छोड़ो रहने दो, नहीं उतारना तो वो आपकी मर्जी। चलो फिर चलते हैं, जाना कहाँ पे ऑर्डर लेके। धूप आज बहुत तेज हो गई यार, मैं खुश हुई थी कि सुबह इस टाइम, मतलब आज मौसम थोड़ा वो होगा खराब बारिश जैसा, तो हम अच्छे से काम कर लेंगे करेंगे, लेकिन मौसम नहीं ठीक हो गया, इतनी धूप, इतनी तेज धूप निकली हुई हो, इसने तो सर मेरा खराब कर दिया पूरा, इतना सर में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा। निकले तो गाइस ठीक है, थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलते हैं, तो आगे जो भी रहेगा वो मैं आपको ब्लॉग में बता दूंगी। सामने गाड़ियां भी है, ध्यान रखना ठीक है ना, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा जो है ना फील हो रही है, मजा आ रहा है स्कूटी में बैठ के। जोरावर सिंह, जोरावर सिंह ने बोली, जोरावर सिंह, जोरावर सिंह चौक से हमें जाना है बता रहा है इसका, मेरे को ये जो एरो होते हैं ना ये बड़े खराब है, मेरे को समझ नहीं आती टेढ़े मेढ़े से, नीचे वाली साइड है यार, रुको यार गाइस मेरे को देखने दो। फाइनली हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ये रहा सामने, यहाँ पर हमें ऑर्डर देना है, और वसीम जो है यहाँ पर अभी कस्टमर को लगे हैं कॉल करने, तो देखते हैं कस्टमर क्या बोलते हैं, अंदर आने के लिए बोलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं से हम दे देंगे ऑर्डर। टाइम हो रहा है इस टाइम 12 बजने वाले हैं, तो वसीम को भूख लग गया, वसीम जा रहे हैं कुलचा खाने के लिए, तो मैंने वैसे पूछा खाना लिए जाओ, यहाँ सामने जा रहे हैं कुलचा खाने के लिए, इनको पता है ये हमेशा ना कुलचे की रेड़ी के सामने ही मतलब रुकते हैं कुलचा खाने के लिए, इनको पता है कि सोबिया कुलचा खाती नहीं है, तो चलो 20 रुपए जो है वो बच जाएंगे तो मैं कुलचा खा लूंगा अकेले बस, तो मेरे को कुलचा वैसे पसंद नहीं है, हाँ कभी कभी जो है वो खा लेती हूँ, मेरे को ना मैदे में प्रॉब्लम होती है इसलिए मैं कुलचा नहीं खाती हूँ, तो देखते मैं कुछ फ्रूट्स ही लेके खा लूंगी,